हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको रियलमी 6 में फ्री फायर खेल के दिखा रहा हूँ और साथ में मैंने FPS मीटर भी इसमें एनेबल कर रखे है। आप देख सकते हैं अभी इसमें 60 FPS आ रहे हैं। अगर मैं आपको ग्राफिक्स दिखाऊँ इसमें, अभी जो ग्राफिक्स है मैंने वो अल्ट्रा पे सेट कर रखी है, हाई परफॉर्मेंस मोड है और मैक्सिमम फ्रेम रेट है, और जो फिल्टर है वो मैंने ब्राइट पे लगा रखा है। अभी ये 60 FPS दे रहा है। अभी ये गेम प्ले दिखाऊंगा आपको, तो उसमें देखते हैं 60 FPS से कॉन्स्टेंट दे पाता है या नहीं दे पाता। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि जो फ्रेम है काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं। अभी जो मिनिमम फ्रेम गए हैं वो 37 तक गए हैं। मैक्सिमम तो 60 FPS दे सकता है, लेकिन अभी कॉन्स्टेंट 60 FPS दे नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं इसमें हाई ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ इस टाइम पे। इसमें हीलो का G90 प्रोसेसर लगा हुआ है, फिर भी ये 60 FPS जो है वो दे नहीं पा रहा है। तो अभी आपने देखा जो फ्रेम रेट्स है वो 30 तक ड्रॉप हो जा रहे थे। तो अभी मैं जो इसमें है स्टैंडर्ड में खेलूँगा फ्री फायर, तो सेटिंग्स में जाएंगे और जो ग्राफिक्स है उसको हम स्टैंडर्ड पे सेट कर देंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। तो देखते हैं क्या अभी 60 FPS कॉन्स्टेंट दे पाता है या नहीं दे पाता। चलिए एक मैच ला के देख लेते हैं। जो भी फ्रेम है वो पहले से बेटर आ रहे हैं। पहले जो फ्रेम्स है वो 30 तक ड्रॉप हो जा रहे थे, अभी ये जो जा रहा है वो 40, 45, 42 तक गया है, इससे नीचे भी गया नहीं है। तो आपने जैसे गेम प्ले देखा होगा, जब मैंने इसको हाई ग्राफिक्स पर सेट किए थे तो फ्रेम्स जो है वो 40 तक जा रहे थे, 35 तक जा रहे थे मिनिमम, तो और 40 तक मैक्सिमम आ रहे थे और अराउंड 35 से 40 के बीच में ही थे। लेकिन जब मैंने इसको स्टैंडर्ड पे सेट किया तो 45 से 50 के बीच में जो उसके फ्रेम्स हैं वो आ रहे थे। और गेमिंग में काफ़ी अच्छा है फ्री फायर, इसमें काफ़ी अच्छी चलती है। और जो इसका प्राइस है अराउंड अभी आपको इस सेल में 14,000 का मिल जाएगा। मेरे पास जो वेरियंट है वो 6 GB रैम है और इसमें एंड्रॉयड 10 अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।